भाई मुझे काफी कमेंट और डीएम्स आ रहे कि भाई एमसीन सेन का नया गाना आया है बेवफा हील एल्बम में से, उस पे रिएक्ट करो। देखो भाई मेरे को एक बात बोलनी है कि एमसीन सेन मुझे बहुत पसंद है भाई, आई रिस्पेक्ट दैट आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा फीलिंग्स को बयान करता है। बट वो जिस तरह बयान करता है ना भाई, मेरे को उससे बीटी हो जाती है भाई, पूरा बैड ट्रिप पर चला जाता, मेरा मूड ऑफ हो जाता है भाई। मैं मूड वैसा एकदम ही इमोशनल वाला बंदा नहीं हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे मजे चाहिए, मैं हंसता खेलता रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, मेरे को ये रोने धोने वाला चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती भाई। ठीक है भाई, भाई लोग ने अपने बोला है तो अपन करना तो पड़ेगा ही, तुम ज़्यादा बकचोदी करते यूं अकेले ही अकेले घुटता जा रहा मेरा दम, जो मिलते नहीं कभी उन दो किनारों पे है हम, बिन तेरे तो अधूरी ये कहानी है सनम, क्यों जो जितना करता ज्यादा उसको उतना मिलता कम। मैं तो बार बार के बरसा तेरे गाँव पे, और तू चुप गई थी अपने घर के छाँव पे, बाहर आने वाली है बस मेरे जाने पर, भाई मैं बादल बरस के आया बट तू अपने घर के छाँव में छुप गई, मेरे को पता है तू नहीं आएगी बट तू बाद में आके मेरे को बोलना नहीं कि मैंने बुलाया नहीं था। माँ कि यार यार ये बंदा अभी से बीटी दे रहा है भाई, मेरे जाने पर तू बाहर आएगी, मतलब जब मेरा जनाजा निकलेगा तब तू बाहर आएगी, फिर तब रिग्रेट मत करना कि मैंने बुलाया नहीं, मैं तो आया था भाई बादल बन के। यार भाई ये बंदा यार, तू बाहर आने वाली है गई थी, बादल बन के बरसा तेरे गाँव पे, और तू चुप गई थी अपने घर के छाँव पे, तू बाहर आने वाली है बस मेरे जाने पर, ना ये कहना कि मैं आया नहीं बुलाने पर, तेरी कमी मुझे खलती रही, मैंने रुकने को कहा तू चलती रही, शाम की तरह तू ढलती रही, क्यों दूरी प्यार को छोड़ के प्यार के लिए कैसे लड़ सकते भाई। आओ तू सुन, तू प्यार को छोड़ के प्यार के लिए ही लड़ती रही, बस इसी बात का मैं करता गुमान की संग मेरे कभी तू रह के गई, माँ को ही लगता कि अब मैं वो बच्चा नहीं जिनको उन्होंने था कोख में पाला, मैं सोच नहीं पा रहा, होश नहीं आ रहा, और किन ख्यालों में डूबता जा रहा, मेरा ना कोई अपना दिमाग, मेरा पैरानॉइड, क्या जो सुना मैंने सच है, क्या है वहाँ तेरा कोई, ये बंदा ना जो होता है ना एक ओवर थिंकिंग जो करता है बंदा या बंदी, ये सब उसके माइंड के थॉट्स है भाई। ओवर थिंकिंग इज अ डिजीज भाई, कभी मत करना, ओवर थिंकिंग जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, जो नहीं है वो भी आपके दिमाग में आती है ना, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव। अगर आपके माइंड में आपका कंट्रोल नहीं है तो भाई आप जिंदगी नहीं जी सकते हो चैन से, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरा ना कोई अपना दिमाग, मेरा पैरानॉइड, क्या जो सुना मैंने सच है, क्या है वहाँ तेरा कोई, क्या वो मेरी तरह तेरे लिए कुछ भी करेगा, तुझे बोलना पड़ेगा और वो कुछ नहीं करेगा, मैंने पढ़ा तुझे बहुत ही करीब से, पता मुझे मेरी तरह तुझे कभी खुश नहीं करेगा, वो रातें भी तेरे। ये लाइन सुन के ना मेरे को कर्मा की वो याद आई, तुझको क्या फिक्र है ना, उसमें भी लाइन बोलना है, तुझको क्या फिक्र वो तेरी कर रहा है या नहीं, मेरी तरह वो तेरा ध्यान रख रहा है या नहीं, है ना। अभी लाइनें मुझे परफेक्ट याद नहीं आ रही बट वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है कर्मा का, मैंने पढ़ा तुझे बहुत ही करीब से, पता मुझसे ज्यादा प्यार तुझसे कर रहा है या नहीं, मुझे मेरी तरह तुझे कभी खुश नहीं करेगा, वो रातें बिताएगा जिस्म में तेरे पर, दिल को कभी तेरे टच नहीं करेगा, जहां भी हो वहां से तू भाग जाना प्लीज, अगर कभी तुझे कोई अपने वश में करेगा। ये वो शायद बेस्ट फ्रेंड वाली बात बोल रहा है कि भाई होता है ना सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि वो तेरे को जिस्म के लिए प्यार करेगा, कभी रूह को टच नहीं करेगा, तेरे दिल को टच नहीं करेगा, तुझे कभी खुश नहीं करेगा, वो रातें बिताएगा जिस्म में तेरे पर, दिल को कभी तेरे टच नहीं करेगा, जहां भी हो वहां से तू भाग जाना प्लीज, अगर कभी तुझे कोई अपने वश में करेगा, न वो
वो तेरी झूठी कसमें सहेगा, तुझे एक ही पता कि फिर वो दस में रहेगा। तू मेरे रग रग से थी वाकिफ तो ये जहर मेरे नस में बहेगा। अगर तू मेरे सब तुम मेरे रग रग में थी वाकिफ करके भी मेरे सब जहर मेरे सहन में बसेगा भाई साहब। तू मेरे रग रग से थी वाकिफ तो ये जहर मेरे नस में बहेगा। अगर तू मेरे सबर का फल तो जिंदगी भर ये सबर रहेगा। एक तरफ तू एक तरफ मैं एक तरफ प्यार ये अमर रहेगा। इसी वजह से मैं नहीं सुनता भाई इस बंदे को। क्यों क्यों मेरा भाई लोग क्यों क्यों सुनना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो मेरा ये बोरिंग सा रिएक्शन क्यों भाई? दिमाग का शॉर्ट करता है बंदा भाई। ऐसा घुस जाते हैं ना बातें इसके दिमाग में कि आप ना चाहते हो भी सोचने में मजबूर कर देते हो। भैंसद आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रहेगी ना, फिर भी आप बोलो कि आप भैंसद मेरा ब्रेकअप हो गया रे, मेरे से उसने बेवफा कर दी, मेरे को छोड़ के चली गई, जबकि भैंसद जाट जिंदगी में जाट कोई थी नहीं, फिर भी महसूस होगी होगी भाई। अरिजीत सिंह वाला वाइब देता है बंदा, बोलता है ये सबर का फल अगर तू है तो ये जिंदगी भर मेरा सबर रहेगा। ब्रो इससे ज्यादा प्यार करने वाला बंदा और कोई रहेगा नहीं मेरे ख्याल से भाई। अगर इतना कोई प्यार करता है ना बंदा लड़की से, और अगर वो लड़की उस प्यार को एक्सेप्ट या रिस्पेक्ट नहीं करती ना, तो भाई भगवान बचाए भाई उस लड़के को, सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम मेरा ना करना जिक्र, जी हमें यूं ही अब जीने का मन नहीं, बस यहीं तक का था मेरा सफर। मेरे अंदर जीने वाली सारी इच्छा मर गई है, न जाने क्यों ऐसा हाल हो बेवफा तू कर गई है। कैसा था मैं पहले अब मैं खुद को ना पहचानू, मुझसे सच ही कहते सब पर इनकी बातें कैसे मानू। तेरा इंतजार ऐसा जैसे जिंदगी को मौत का चाहिए, बस तू और इसके आगे मैं ये बंदे के आवाज में है कि ये बंदे के बातों में है या बंदे के मेलोडी में है, मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई। बड़े बंदा दिमाग में बैठ जाता है भाई। अभी मेरे रात भर कल तक भी यही मेरे दिमाग में घूमता रहेगा, फुल बीटिंग में चलेगा मैं। ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी भाई, गंदी नजर से ना घूरे ना तुझे या कोई और छुए ना तुझे, ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी भाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ी बातें तो कर पहले की तरह, मेरा हाथ तो पकड़, सही से खाया नहीं काफी दिनों से, कोई बोलता ही नहीं थोड़ा खाया भी कर। तू भूल गई सब मेरी जान, तू खुश है ना बहुत तेरे आज के साथ। आई प्रॉमिस कि कभी इस साइड से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा आज के बाद। अब बस मेरे ख्वाबों में आप पर त्याग किया मैंने भी आज ये ख्वाब। तू खुश है तो मैं भी खुश, मैं जी लूंगा इसके एहसास के साथ। बेवफा ओ बेवफा होती अब भी तेरी फिकर, मेलोडीज भाई बस भाई बस। भाई इसका भाई इस चीज का मेरे को रिव्यू नहीं देगा, मेरा रिएक्शन सेज इट ऑल। मेरे को बात नहीं करना मन ना, मैं बात करते करते इतना भावनाओं में बह जाऊंगा ना एड़े के माफिक,
बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा मैं भाई, और सारी इमोशन सारी चीज़ें निकल जाएंगी जो मुझे दिखानी नहीं है कैमरे के सामने। तो मैं यही स्टॉप करूंगा, और आप लोग बताना कैसा लगा ये गाना, और रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कमेंट कर देना, शेयर सब्सक्राइब तो मैं बोलूँगा नहीं, बस ये भाई को सुनना और रिलेट करना। मैं जा रहा हूँ भाई अपनी बीटी में।